उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आगाज हो चुका है। इन्वेस्टर समिट में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश भर के उद्योगपतियों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। वहीं उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट में पहुंची पीएम मोदी ने हाउस ऑफ हिमालयंस बुक का भी विमोचन किया है। कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि समाज के अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए राज्य सरकार की इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया है। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के वाइब्रेंट गुजरात से प्रेरणा लेकर डेस्टिनेशन देहरादून इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी ने समिट की शोभा बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड निवेश के लिए सबसे बेहतर प्रदेश है। सड़कों, टनल और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में उत्तराखंड आगामी राज्यों की दौड़ में सबसे आगे है। डबल इंजन की सरकार और उत्तराखंड की पॉलिसी से राज्य का विकास होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उद्योगपतियों को उत्तराखंड में निवेश करने के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मौजूद रहे। वहीं बाबा रामदेव ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। समिट में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाउस ऑफ हिमालयस की भी लॉन्चिंग की। राज्य के सभी उत्पादों को अब एक नाम से पहचाना जाएगा। अभी तक हिमाद्री, हिलांस, ग्राम्यश्री जैसे तमाम उत्पाद अलग अलग नाम से बाजार में जाते हैं, लेकिन अब सभी हाउस ऑफ हिमालयस के नाम से पहचाने जाएंगे। सबसे खास बात ये रही कि समिट में मौजूद प्रणव अडानी ने भी उत्तराखंड निवेश के लिए अपना पिटारा खोला। अडानी एंटरप्राइज के निदेशक प्रणव अडानी ने कहा कि हम उत्तराखंड में नेचुरल गैस उपलब्ध करवा रहे हैं। यहां 200 स्टेट की बसें सीएनजी से चलाएंगे, 1700 करोड़ अंबुजा सीमेंट के विस्तार में खर्च करेंगे। वहीं 300 करोड़ रुड़की प्लांट और ऋषिकेश देहरादून के बीच 1400 करोड़ ग्राइंडिंग यूनिट पर निवेश करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि समिट से पहले धामी सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की, जहां धामी सरकार ने 3 लाख करोड़ से अधिक के निवेश का एमओयू साइन किया, जो कि निर्माण क्षेत्र, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़े 16 प्रोजेक्ट शामिल हैं। वहीं उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट में पीएम मोदी ने हाउस ऑफ हिमालयंस बुक का विमोचन किया, जिसके लिए पीएम मोदी ने उत्तराखंड सरकार को हाउस ऑफ हिमालयस के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल के जरिए उत्तराखंड के उत्पादों को विदेशी बाजारों में पहचान मिलेगी। वहीं हाउस ऑफ हिमालयस ब्रांड से 2 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन सकती हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में सप्लाई चेन विकसित करना है, ताकि दूसरे देशों पर निर्भर न रहें। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। साथियों, मैं आज उत्तराखंड सरकार को हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड लॉन्च करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये उत्तराखंड के लोकल उत्पादों को विदेशी बाजारों में स्थापित करने के लिए बहुत अभिनव प्रयास है। ये हमारी वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल की अवधारणा को और मजबूत करता है। इससे उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को विदेशी बाजारों में पहचान मिलेगी, नया स्थान मिलेगा। भारत के तो हर जिले, हर ब्लॉक में ऐसे प्रोडक्ट है जो लोकल हैं, लेकिन उनमें ग्लोबल बनने की संभावनाएं हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जहां स्वामी विवेकानंद की भांति भारतीय संस्कृति की पताका को पूरे विश्व में लहराने का काम उनके माध्यम से हो रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भांति राष्ट्र को सुदृढ़ एवं संगठित बना रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की भांति शोषितों और वंचितों को उनकी चिंता कर रहे हैं, और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की तरह उनके आदर्शों पर चलते हुए अंत्योदय के स्वप्न को साकार करते हुए समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हर सुविधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस महान यात्रा के सहयात्री हैं, जिस यात्रा का गंतव्य भारत को परम वैभवशाली राष्ट्र के रूप में खड़ा करना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिस कठिन परिश्रम द्वारा भारत को पुनः विश्वगुरु
बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। यह न केवल मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को बल्कि भारत के 140 करोड़ भारतीयों के मन में और अधिक परिश्रम करने के लिए आशा और विश्वास का बीज भी रोपित करने का काम आपका परिश्रम और आपका संकल्प करता है।